मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठिया जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि आपने सेना में सेवा की है और अब आप राजनीति में आए, तो राजनीति को अच्छा नहीं माना जाता सर? राजनीति को तो खराब कभी भी नहीं माना गया था, लेकिन होता क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट की वजह से जब इंसान राजनीति में एक अपने ही इंटरेस्ट को देख के आगे बढ़ता है तो फिर राजनीति को खराब माना जाता है। अगर राजनीति खराब होती तो फिर आज हमारे सिस्टम में राजनीति होती है। इसी की वजह से जो गवर्नमेंट बनती है और उसी में जो एक और अधिकार है जो आज जनता का, इसी के जरिए वो अपना हक देख करके लोगों को पुलिस करती है और वही लोग हैं जो आज हमारी सरकार राजनीति में दाग लगते हैं। समाज सेवा तो अच्छी बात है, आपने इससे पहले युवाओं के साथ काम किया तब आपके पास दाग लगे, राजनीति में दाग भी तो लगेंगे। हम अभी भी समाज सेवा ही कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम आ रखे हैं खाली। जो चीजें हम पहले बगैर पावर में आए थे जो करते थे हम उसको दस गुना और कर सके, कोई पावर में आकर तो हम अभी भी समाज सेवा कोई राजनीति में आम आदमी पार्टी की नहीं। क्योंकि क्या है कि और पार्टी जो है ना उनमें आपको अपने विचार बिल्कुल एक्सप्रेस करने की वो नहीं मिलती है लिबर्टी। इसमें क्या होता है जो हायर हेडक्वार्टर है दिल्ली में जो बैठे हैं वो मुझसे बोलेंगे, वही बागेश्वर में भी होगा, वही यहाँ पे होगा, वही देहरादून में होगा, सब जगह कॉमन होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में क्या है कि यहाँ पे हर आस्पेक्ट को हर बिंदु को समाज से जनता से पूछ करके देखा जाता है, उसके आंदोलन से करता है। और आम आदमी पार्टी ने अपने को साबित करके दिखाया दिल्ली जैसी जगह में। आप देखो एजुकेशन हेल्थ इतना बढ़िया मॉडल है वहाँ पे, बिजली वो खरीदते हैं फिर भी समाज जनता को देखते हैं। यहाँ तो मतलब हमें लाने की जरूरत है आम आदमी पार्टी ताकि उसका जो खट्टा बैठ लगा वो ठीक हो जाए। लेकिन चर्चा ये भी है कि आपने बीजेपी से भी टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं मिला आपको, जो है तब आप आम आदमी पार्टी? हमने कभी किसी से टिकट नहीं मांगा, हम एक फौजी थे, फौजी की तरह ही रहे। अभी हम डेढ़ साल बर्मा में रह के आ रहे हैं और उसके बाद में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम कभी किसी से टिकट मांगने वाले नहीं। भाजपा ने तरजीह नहीं दी इसलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसी चर्चाएं रहती हैं राजनीति की देहरादून की। उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये बताया कि ये जो बड़ी पार्टी है भाजपा कांग्रेस सर, आप आम आदमी पार्टी के सीएम के दावेदार हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उत्तराखंड? आज 20-25 साल पहले जो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था उस टाइम पे जो सुलभ थी जो जरूरत थी बोलता हूँ उत्तराखंड की सुलभता है सवाल उन चीज़ों को हमने पूरा करना है। 20-25 साल में जो चीज़ें नहीं हुई इनमें सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी युवाओं को डायरेक्शन देना, रोजगार देना, उसके बाद में है एजुकेशन, उसके बाद में हेल्थ, उसके बाद में जो भ्रष्टाचार समाज में गुजर का इसे पूरी तरह तोड़ना है, उसके बाद बिजली पानी जो यहाँ का हक है वो देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पर ये मेन प्रॉब्लम हमारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिनको हम सबसे पहले करेंगे। सर आम आदमी से भी दिल्ली में सारे लोग खुश नहीं हैं, थोड़ा नाराजगी रहती है सरकार के वहाँ के भी लोग कहते हैं, आपने मुझे बोल दिया कहते हैं, कहने में और करने में तो फर्क होता है। ये देखो एक पार्टी लगातार 2 बार पूरे बहुमत से आ रही है और दूसरी बार जब इलेक्शन लड़ी तो उसने क्या बोला, ये नहीं बोला जनता को कि हम ये करेंगे, उन्होंने जनता को बोला अगर हमने जो काम करा है तुम्हें लगता है वो अच्छा करो तो हमें बोला। ये आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है खास समुदाय को बढ़ाने का प्रयास करती है, ऐसे आरोप लगते हैं? ये सब क्या है नैरेटिव में भी कहा जाता है, ये सब नैरेटिव बनाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे आई भी नहीं है, कैसे उत्तराखंड में हो सकता है? पुरानी पार्टियाँ हैं अगर ऊपर बोलते हैं कि समुदाय के बारे में तो उनको चेक करना चाहिए, चेक तो कर नहीं पा रहे और वो दूसरे पे आरोप लगाते हैं, तो ये हमारे साथ तो नहीं चलेगा। हमारे में अगर राष्ट्रवाद की हमसे सवाल करेंगे, अगर हमसे हिंदुत्व की बात करेंगे तो हमें क्या चलेगा? चलिए सर आपने हमसे बात की, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन कोई संदेश आप उत्तराखंड वासियों को देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं? उत्तराखंड में यूथ, उत्तराखंड में महिलाएं, उत्तराखंड में एक्स सर्विस मैन, एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स एक इतनी स्ट्रांग ताकत है, अगर इनको एक बॉन्ड बना करके एक टीम बना के अगर चला जाए और हर जगह चाहे वो PWD हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वो टूरिज्म हो, हर जगह एक्स सर्विस मैन, एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स को यूज करना चाहिए। उत्तराखंड का नव निर्माण जो परिभाषा हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होगी और यही हमारी वो फोर्स है जिसको हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमसे बातचीत करी और भविष्य में जाकर बातचीत होगी।